Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. ये उन दिनों की बात है. स्वाति प्लीज चुप हो जाना. यार छोड़ देना, देख जो हो गया वो हो गया. अगर यही चीज तेरे साथ होती क्या तब भी तू यही बोलती? स्वाति, मुन्ना से तुम्हारी मदद करना चाहता था. मैंने कहा था इसे मेरी मदद करने के लिए, नहीं ना पूरी क्लास के सामने तमाशा बना के रख दिया है. स्वाति देख, हम सबको पता है कि मुन्ना ने गलत किया. हम सबने मना भी किया था उसे, पर किया तो तेरे भले के लिए ना. इसकी वजह से कितना नाम खराब हुआ मेरा. तूने सुना था ना प्रिंसिपल मैम क्या कह रही थी? रोमांस का अड्डा, स्पेशल दोस्त, लोग सीटियां बजा रहे थे मुझ पे, हंस रहे थे मुझ पे. उनको तो यही लग रहा होगा ना कि और मैं. मजाक बना के रख दिया है, खुद की तो कोई इज्जत है नहीं, मुझे भी बदनाम कर दिया. सुन इधर आ एक मिनट. स्वाति, हम जानते हैं कि मुन्ना ने गलत किया, पर उसकी नीयत तो अच्छी थी ना. तू उसे कितना कुछ सुनाई जा रही है, और हम सब जानते हैं कि तू मुन्ना को पसंद करती है और उससे. नहीं, इस पागल को पसंद करूंगी मैं? जो ना अपनी लाइफ में सीरियस है, ना ही अपने पढ़ाई को लेके. ऐसे लड़के से कोई लड़की प्यार तो क्या बात तक नहीं करना चाहिए. हम सब ये सोच रहे थे कि प्रॉक्सी लगा के मुन्ना प्यार के टेस्ट में पास होगा या फेल, लेकिन स्वाति की बातें सुन के हम सब का हाल उन स्टूडेंट्स की तरह हो गया था जिनके एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ जाते हैं. अब हमारे पास बस एक ही रास्ता था, मुंह लटका के एक दूसरे के लटके हुए मुंह देखना. कार में अगर पेट्रोल ना हो तो प्रॉब्लम, और अगर पेट्रोल लिमिट से ज्यादा हो कि ओवरफ्लो करने लगे तो भी प्रॉब्लम. अब आप सोच रहे होंगे कि प्यार की बात करते करते मैं अचानक कार की बात क्यों करने लगा, है ना? एक्चुअली मैं कार की नहीं, प्यार की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ. एक अर्जुन भैया और शिफाली की लव स्टोरी थी जिसमें हीरो के सीरियस होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती थी, और एक मुन्ना स्वाति की प्रेम कहानी थी जिसमें मेन प्रॉब्लम ही यही थी कि हीरो सीरियस नहीं था. हेलो. पहली बरखा जैसी मीठी पुरवा जैसी स्पर्श तेरा पाया है हो जब जब तुझे गाया है. अब क्या हुआ, इतना अच्छा तो गाना है. अच्छा चलो साथ में गाते हैं. कौन हो तुम जो दिल में. मेरे गाना बंद करो, मुझे नहीं सुनना. क्या हुआ समीर? गुस्सा आ रहा है. किस पे? स्वाति पे. और किस पे? कोई तरीका होता बात करने का? और मुन्ना ने जो किया वो? नहीं ना, मुन्ना सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहता था. लेकिन तुम लड़कियां, अगर कोई लड़का हेल्प भी करता है ना उसमें गलतियां नजर आती है और कुछ नहीं. ओ, जैसे लड़कों की तो कोई गलती होती ही नहीं है. और एक बात और, बेचारे लड़के नहीं लड़कियां होती हैं, इसीलिए तो चुपचाप सब सुनती रहती हैं और सहती रहती हैं. चुपचाप, सही कह रही हूँ. अगर ऐसा होता ना तो फिर बात ही क्या थी. तुम लड़कियों से झगड़ा करना आता है, वो भी बिना रीजन के. एक मिनट, एक मिनट. क्या कहा तुमने? तुम लड़कियों को, मतलब समीर. जरूरी नहीं है कि जो आज स्वाति ने किया वो मैं या कोई और लड़की भी करे, इसलिए अगली बार जरा सोच समझ के बोलना. नहीं ना, मैं जो कह रहा हूँ ना वो सोच समझ के कह रहा हूँ. तुम लड़के एक जैसी होती हो. अरे मुन्ना का दिल तोड़ दिया यार, उसने सिर्फ प्रॉक्सी तो लगाई थी ना. तुम्हें स्वाति पे गुस्सा आ रहा है तो उसे बोलो ना, मुझे क्यों सुनाए जा रहे हो? देखा, आ गई ना भाई बात सामने. मैं कह कुछ रहा हूँ और तुम कुछ और समझ रही हो. ठीक समझ रही हूँ. नहीं ना, तुम समझ क्यों नहीं रही हो. मैं गुस्सा तुम पे नहीं कर रहा हूँ, स्वाति पे कर रहा हूँ. जना चिंता हो रही है मुन्ना की. सुबह से उसने ना तो कुछ खाया है ना ही पिया, किसी से बात भी नहीं कर रहा है वो.
स्वाति को ये सब नहीं करना चाहिए था, तुम्हें याद है ना? माउंट अब मैं तो कितना मुस्कुराकर मुन्ना की उम्मीद बढ़ाई और अब पलट गई, लेकिन यही चीज अगर मुन्ना ने करी होती ना तो बेशरम है, आवारा है, चीटर है, पता नहीं क्या कुछ बोला होता उसने। स्वाति ने जो किया वो तुम्हें दिख गया और मुन्ना की गलती नजर नहीं आ रही। मुन्ना ने कुछ किया ही नहीं है तो उसकी गलती नजर कहाँ से आएगी? सारी गलती ना उसी की है। उसने कभी स्वाति को अपने दिल की बात बोली? वो फेयरवेल पे कहने वाला था लेकिन समीर, बात मुन्ना और स्वाति के बीच में हुई है ना, हम क्यों झगड़ रहे हैं? क्या मेरी तरह तुम नहीं चाहते कि वो दोनों फिर से दोस्त बन जाएं? पर कैसे होगा ये सब? तो उसके लिए हम सीनियर्स को ही कुछ करना पड़ेगा ना। सीनियर्स? हमारे ग्रुप में सबसे पहले किसकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई? तुम्हारी और मेरी। तो उस हिसाब से हम सीनियर्स हुए ना, इसलिए हम दोनों सीनियर्स मिलके मुन्ना और स्वाति की फिर से दोस्ती करवाएंगे। डन। अच्छा जल्दी से एक बात का जवाब दो, प्यार करते हो मुझसे? अपने आप से भी ज्यादा। और तुम? पूरी दुनिया से ज्यादा। अच्छा नैना एक बात कहूँ मैं, मुझे ना तुम्हें बाकी लड़कियों से कंपेयर नहीं करना चाहिए था क्योंकि तुम बाकी लड़कियों से थोड़ा कम बुरी हो। और तुम महाबुरे। क्या है? महबूब मेरा मेरे ख्वाबों की तपिश है मेरा महबूब, मेरी अनजानी ख्वाहिश है मेरा महबूब, सरगोशिया चुपके करे दस्तक से दे दिल पे मेरा महबूब, मेरे ख्वाबों की तपिश है मेरा महबूब, मेरी अनजानी ख्वाहिश है मेरा महबूब। घर पर अकेले वो भी शाम तक। सोच रही थी काश समीर भी यहाँ होता, पूरा दिन साथ में बिताते बिना किसी डर के। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, फोन उठा सिया जी का नंबर मिला और उन्हें बुला। कॉलेज में आने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ साथ मेरी हिम्मत का भी एक लेवल बढ़ गया हो। घर वालों से छुपकर समीर के पीछे उसकी बाइक पर बैठने से लेकर छुपकर वैक्सिंग कराने तक मैं उस जमाने की सारी पाबंदियों को तोड़कर शायद कोई नई डिग्री हासिल करना चाहती थी। और मैंने एक और नियम को तोड़ने का फैसला किया, घर वालों के ना होते हुए घर पर लड़कों को बुलाना। ये करना उस जमाने में घोर अनर्थ महापाप समझा जाता था। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।